यस एवरीबॉडी, आज ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन इस तरह के मैं आपको तीन क्वेश्चन करवाऊंगा आज, और इन तीनों में 100% एक श्योर शॉट आपके एग्जाम्स में 100% ट्रिपल स्टार कैटेगरी वही रखता हूं जो आने ही आना एग्जाम में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 555 555 4 टाइम्स 5 अप टू n टाइम्स। यस, क्या ये एपी है? नो। क्या ये जीपी है? नो। तो इसका मतलब ये पक्का कोई स्पेशल सीरीज है, और ये स्पेशल सीरीज जीपी की एक स्पेशल टाइप बन जाएगी बाय डूइंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन में बनेंगे सेम। मेरा पहला, मैं इस सम को एस एन का नाम दे रहा हूं और इसको लिख दिया 555 555 4 टाइम्स 5 अप टू एन टाइम्स, चलेगा? बोलो जी, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? इन सब में प्रियल क्या कॉमन है? 5। तो मैं क्या ये स्टेप कर दूं तो किसी को कोई दुख तो नहीं? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब जो मैं करने जा रहा हूं स्टेप, उसको थोड़ा मन में क्रैमी वाले स्टेप बना। मैं क्या करने जा रहा हूं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो मैंने क्या किया, यहां पे बाहर तो डिवाइड कर दिया, अंदर 9 मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर करोगे तो सबसे करना पड़ेगा, तो ये क्या बना, ये क्या बना? एंड यहां पे भी सब ओके? कोई डाउट? ये स्टेप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको ये बनाना है। कई बार क्वेश्चन में यही दे दिया जाएगा तो काम आसान हो गया, कई बार वन 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 दे दिया जाएगा, मतलब काम कॉमन वाला करके रखा उसने, सही है? 9 सीकर बताऊंगा क्यों अभी थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं, क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? 9 9 9 कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक अगर क्वेश्चन में 9 9 9 आ जाता सम का, तो आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होता, ऐसे सोचो। अब 5 by 9, इस 9 को क्या बच्चों मैं 10 minus 1 लिख सकता हूं? इस 99 को 100 minus 1 लिख सकता हूं? इस 999 को 1000 minus 1 लिख सकता हूं? और इसको 10,000 minus 1 लिख सकता हूं? और ये चलता जाएगा। बोलो, ट्रेंड समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब जो अगला स्टेप है इसको समझिएगा। 5 by 9, 10, 100, 1000, या इनको ये लिखने की बजाय मैं ये लिख सकता हूं 10 की पावर 1, 100 को 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3, 10,000 को 10 की पावर 4, एंड सो ऑन। एक सीरीज बन गई, और हर में क्या हो रहा है? तो माइनस कॉमन करके 1 plus 1 plus 1 plus 1 अप टू सो ऑन, ये अप टू एन टर्म्स हो रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। एस एन इज इक्वल टू 5 by 9। ये वाला स्टेप दोबारा समझाऊं बच्चे, माइनस वन यहां से, ये वाला 10, 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर, 1000 को लिख दिया 10 का क्यूब, 10,000 को लिख दिया 10 की पावर 4, चलता जाएगा क्योंकि एन टर्म्स लग जाएगा। यस, 1 minus 1 minus 1 सब में कॉमन था तो माइनस कॉमन कर दिया, तो बन गया क्या? 1 1 1 अप टू एन टाइम्स। श्योर? अब क्या ये इतना पार्ट अगर नोटिस करो, ये जीपी है, इस जीपी का ए क्या है, आर क्या है, यहां पे सबको क्लियर है? ये सम और है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर, याद है फॉर्मूला सबको? तो वो चीज मैं यहां लगा दू, ए क्या है 10, आर की जगह 10, एन एन ही है इस क्वेश्चन में, माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन विच इज
क्या इतने बार का आंसर आ गया माइनस एक मिनट ये आगे आपके लिए वन 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 जब एन टाइम्स ऐड होता क्या बनता है वन 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 फाइव टाइम्स ऐड हो तो क्या बनेगा वन 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 हंड्रेड टाइम्स ऐड हो तो क्या बनेगा वन 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 एन टाइम्स ऐड हो तो क्या बनेगा एन कहानी समझ में आई तो ये क्या बना एन बोलो जी यहां तक क्लियर है अब कई लोग आंसर यहां छोड़ देते हैं और कुछ लोग इसको एलसीएम लेके 9 9 81 बनाते हैं बाहर और अंदर बनाते हैं 10 10 की पावर n-1 -9 कई लोग यहां छोड़ते हैं बोथ द आंसर्स आर करिए लोग